उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के असुहा थाना क्षेत्र में दो लड़कियों की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक नाबालिग समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं एक लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही। कानपुर में भर्ती उन्नाव पीड़िता की हालत में सुधार हो रहा है। अब उसे वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया। रीजेंसी अस्पताल ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले अस्पताल के पीआरओ ने बताया था कि लड़की की हालत में अब सुधार हो रहा है, वो हाथ पैर हिला रही है। उम्मीद है कि धीरे धीरे लड़की को वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा सकेंगे। 24 घंटे में रिस्पॉन्स सामने आएगा। उनका कहना था कि लड़की की पॉइजन सैंपल को जांच के लिए केजीएमसी लखनऊ भेजा गया है। इस केस में एकमात्र जिंदा बची पीड़िता का बयान काफी अहम माना जा रहा है, जिस पर आगे की पूरी जांच टिकी हुई है। इसे देखते हुए अस्पताल के बाहर प्रशासन ने एक डिप्टी एसपी और एक एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। प्रशासन की कोशिश है कि पीड़िता को होश आते ही उसका बयान दर्ज किया जाए। उन्नाव की बच्चियों के साथ क्या हुआ इसकी जानकारी और पूरी जांच अस्पताल में भर्ती लड़की के बयान पर ही टिकी है। लड़कियों के साथ क्या हुआ, उनके हाथ पैर कैसे बंधे, उनके साथ किसने क्या किया, ये सब जानकारियां जिंदा बची लड़की के बयान से ही मिल सकती हैं। इसलिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरत रहा है। बता दें कि 17 फरवरी को असुहा थाना क्षेत्र में तीनों लड़कियां खेत में बेहोशी की हालत में मिली थीं। अस्पताल पहुंचाने पर दो लड़कियों की मौत हो गई थी, जबकि एक लड़की का इलाज जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर बताया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी नाबालिग है। पुलिस का कहना है कि एक तरफा प्यार में आरोपी ने लड़कियों को पीने के पानी में कीटनाशक मिलाकर दिया था। हालांकि पुलिस की थ्योरी पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।